हाय गाइस, दिस इज़ खुशबू अग्रवाल और आज की वीडियो में हम इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर के बारे में समझेंगे। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ आर लंग। यहाँ पे कार्डियक नॉच है, दिस इज़ डायफ्राम एंड दिस इज़ हाउ हमारा ब्रीदिंग। ये इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज़ अ प्रेशर इन साइड दी लंग। ये एल्वियोली का जो प्रेशर होता है उसे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बोलते हैं, जो हमेशा 760 मेंटेन करने का कोशिश करता है, विच इज़ इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर। सो एटमोस्फेरिक प्रेशर भी 760 होता है और हमारे अंदर लंग का भी प्रेशर 760 होता है, क्योंकि अगर इक्विलिब्रिएट नहीं करेगा वो, तो वो या तो बर्स्ट हो सकता है या तो कोलैप्स कर सकता है। इसलिए ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन 760 प्रेशर। सो व्हेन यू आर इंक्रीजिंग, व्हेन यू आर ब्रीदिंग, तो आप चेस्ट कैविटी को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं, जिसके कारण ये प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज होता है एंड ब्रीदिंग पॉसिबल हो पाता है। सो दिस इज हाउ हमारा 760 मेंटेन होता है एंड इट इज इट वेरीज विथ वेंटिलेशन, जब भी आप ब्रीथ कर रहे हो, एंड इट एक्चुअली ट्राई टू मेंटेन इक्विलिब्रियम विद द एनवायरमेंटल कंडीशन। सो दिस इज व्हाट इज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। सो थैंक यू सो मच।